ओके, फिर मिलते हैं, टेक केयर। शुक्रिया दोस्त, अच्छा आदमी है। हाँ बिल्कुल, अकेले अकेले क्या चल रहा है भाई। वाह वाह वाह, डेनिस कैसे हो मेरे दोस्त। हाँ? अरे 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 अरे, इधर तो आओ। कहाँ थे तुम इतने दिनों से? साउथ अमेरिका में था यार, 2 हफ्ते हो गए वापस आए। साउथ अमेरिका में था, 2 हफ्ते हो गए से वापस आए हुए। कम से कम इंसान होने के नाते बंदा खैर खैरियत ही पूछ लेता है, एक कॉल तो कर देते, ऑफिस आ जाते। हमारे पास बहुत काम है दोस्त, वो भी बड़े पैमाने पर। क्या कोई दिलचस्पी नहीं है तो? जानी मैं फनकार आदमी हूँ, फैमिली का तो पता ही है ना। माफी चाहता हूँ, जब मैं अकेला होता हूँ तभी मुझसे काम ठीक होता है। पार्टनर ये बताओ, हम तुम्हारे भाई का क्या करेंगे? हौसला हौसला, मेरे भाई का नाम लेकर भाग नहीं सकते तुम, क्योंकि बाबा ने इस बदतमीज को हम दोनों के हवाले किया है। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। क्या हुआ? मेरे ख्याल से इसको किसी ने देख लिया। गाइस कैरी ऑन, जाओ और जल्दी आना। कैसी हैं आप? तुम इन्हें जानते हो? नहीं, लेकिन हम जल्दी मिलेंगे इनसे। एंजॉय कीजिए। फतूश, अरे नासली यहाँ आओ। अरे वो देखो यार, वो कश्ती पर आ रहे। हाँ वो देखो, हचिको लिखा है। सो क्यूट, मेरे पास होती तो मैं भी यही नाम रखती। हाँ हचिको, पता नहीं क्या मतलब है इसका। खैर हचिको, मेरी बात सुनो। यही रुको, मैं आती हूँ। माफ कीजिएगा, मैंने आपकी बातें सुनी है मगर मुझे इस पर तजस्सुस हुआ। ये हचिको का क्या मतलब है? जापानी में हचिको नंबर 8 को कहते हैं। वैसे ये लफ्ज मेरे लिए इसलिए खास है क्योंकि ये मेरे कुत्ते का नाम था। वो टोक्यो में था और उसका मालिक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था। हचिको हर सुबह अपने मालिक के साथ घूमने जाया करता था और हर शाम को उसका इंतजार करता था। लेकिन ये मशहूर कैसे हुआ? एक दिन हचिको शाम को अपने मालिक का इंतजार करता रहा, लेकिन उसका मालिक लौट के नहीं आया। उसको यूनिवर्सिटी में ही हार्ट अटैक आ गया। बेहद अफसोस। लेकिन हचिको ने हिम्मत नहीं हारी। वो रोज वहीं बैठा अपने मालिक का इंतजार करता था, 10 साल तक, जब तक वो मरा नहीं। बहुत खूब, कितनी अच्छी बात है ना कि अगर जानवर को थोड़ा सा भी प्यार दे दे तो वो मरते दम तक आपसे मोहब्बत करता है। काश हम इनकी हिफाजत के लिए कुछ ज्यादा कर सकते। ठीक कहा आपने, मेरे ख्याल से आप जानवरों के लिए काम करती हैं। नहीं, लेकिन मुझे जानवरों से बहुत मोहब्बत है। एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ मैं जाती हूँ, ज्यादातर वक्त वहीं गुजारती हूँ। जरूरी नहीं पैसे दें, खाना कंबल ये चीजें भी आप डोनेट कर सकते हैं। कागज के नोट उनके किसी काम के नहीं। मैं जरूर मदद करना चाहूँगा। बहुत से कागजात हैं घर पर फेंकने के लिए। खैर मैं कुछ और तरह से मदद करूँगा। आपकी पनाह आना चाहता हूँ मैं, नंबर मिल सकता है आपका? जरूरी नहीं कि आप सिर्फ वहाँ आए, आपको इंटरनेट पे और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस मिल जाएंगी। मेरे ख्याल से उनको इंटरनेट पे नहीं उलझाना चाहिए नाजली डियर। वैसे इसको इस बारे में बहुत अच्छी मालूमात है। मैं ऐसा करती हूँ, आपको इसका नंबर दे देती हूँ, बल्कि मैं खुद ही फीड कर देती हूँ। क्या ख्याल है आपका? नाजली के नाम से सेव है। नाजली, मैं डेनिस हूँ, मैं शेल्टर एडवाइजर के नाम पर लिख रहा हूँ। जरूर जरूर, ठीक है, अब हमें चलना चाहिए। चलो फतूश। किस्मत अच्छी है। क्या बकवास कर रही हो फतूश, तुम्हें उसको मेरा नंबर देने की जरूरत नहीं थी। ओहो तुम परेशान क्यों होती हो, कुछ नहीं होगा, पागल मत बनो। आप यकीन करें, पिछले साल सफर बहुत अच्छा गुजरा, मुझे तो बहुत मजा आया। एंजॉय कीजिए। थैंक यू। अरे रुको 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 रुको, एक मिनट, एक सेकंड रुके, मैं निकाल देती हूँ। अरे तुम रहने दो, मैं देख लेता हूँ उसे। अरे ये काम तो बहुत आसान है, आप बस अपना बाजू ना हिलाएं, मैं निकाल देती हूँ। एक सेकंड, तुम रुको तो सही। आप हाथ हिलाना तो बंद करें। अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं कर लूं। नहीं नहीं बस हो गया, आप रहने दें। माफ कीजिएगा मुराद साहब। बस हो गया, एक मिनट। अब बस भी करो। ये क्या किया आपने, ब्रेसलेट तोड़ दिया। अगर आप 2 मिनट सब्र करते तो ये टूटता नहीं। देखो लड़की रिलैक्स हो जाओ, तुम परेशान ना हो, मैं इसकी पेमेंट कर दूंगा। हर चीज खरीदी नहीं जा सकती, समझे आप। ये ब्रेसलेट मेरे लिए बहुत स्पेशल था। ये एक जाती डिजाइन है और बहुत खास मोतियों से बना हुआ है। मेरे ख्याल से काफी 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 महंगा था ये लो। नहीं चाहिए, जरूरत तो नहीं थी, लेकिन शुक्रिया आपका बहुत। फत
संतोषी क्या किया तुमने? तुम्हें ये नहीं लेने चाहिए थे, मेरा ब्रेसलेट इससे कई ज्यादा कीमती था। अरे पागल ठीक है ना, तीन और बन जाएंगे इन पैसों में। चाचू देखे ये है नाज़ली। अरे ये क्या, ये तो बड़ा सरप्राइज है। तुम चाचू हो इसके? सबसे बड़ा सरप्राइज तो मुझे मिला है अभी। आप नाज़ली को जानते हैं क्या? हाँ बिल्कुल जानता हूँ, ये मेरी डांस फ्रेंड है। लेकिन क्या आपको पता है नाज़ली बहुत अच्छे कुकीज बनाती है? हाँ बिल्कुल ये सच है, ये वाकई बहुत अच्छे कुकीज बनाती है। तुम्हारे चाचू सालसा डांस बहुत अच्छा करते हैं और सफाई भी बहुत अच्छी करते हैं। तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? आप लोग अंदर आ जाइए, बात करते हैं। वाकई दुनिया बहुत छोटी है। जी ये कितना बड़ा इत्तेफाक है। मैं फरीद की, शुक्रिया, मैं फरीद साहब की पर्सनल शेफ थी और साइड जॉब के तौर पे एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करती थी, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन भी आप लोगों की है। ओह तो तुम कुक हो? बिल्कुल सही कहा तुमने, बैचलर्स कर लिया है, अब मास्टर्स कर रही हूँ। ओके, ये कल रात इनका प्रोफेशन जानने में ही इतना टाइम लग गया था, इस बात का अंदाजा नहीं था। आप अभी अभी मिली है ना इसलिए। हाँ आपकी तकरीब में मिले थे हम। आप फरीद के पास काम करती हैं, मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था, मुझे यकीन नहीं आ रहा। एक मिनट, इसका मतलब तुमने अभी तक नाज़ली के हाथों के बने लजीज खाने नहीं चखे? कोई भी नाज़ली से अच्छा खाना नहीं बना सकता, अम्मी भी नहीं। अरे बेटा बलूत, घर जाके बताती हूँ मैं तुम्हें। मुझे तो लगा था कि आप कुत्तों से बात करती हैं बस, आप में तो डांस की भी सलाहियत है ना। तो फरीद भाई के लिए खाना बनाती हैं आप? फरीद को तो जैसे जानती नहीं हो तुम। नाज़ली मेरे ख्याल से 10-15 दिन बर्दाश्त कर पाई। नाज़ली ने नौकरी छोड़ दी है, हमने उससे मिलने और उसका शुक्रिया अदा करने के लिए आज रात दावत दी थी। बहुत अच्छा खाना बनाती हो, डांस भी करना जानती हो, जानवरों का भी ख्याल रखती हो, कोई ऐसी खूबी है जो मुझे नहीं मालूम? हाँ जरूर होगी, ये भी अभी पता चली है मुझे। ये वही सब खूबियां हैं जो सब में होती हैं। हर कोई इंसान मुनफरिद होता है। वैसे भी स्टेज पे गाना गाना आसान बात थोड़ी है, मेरी आवाज से तो मेरे घर वाले भी डर जाते हैं और खानदान में से मेरी बहन भी। ज्यादा तारीफ कर रही हो, पता नहीं मैं सही से गाती भी हूँ या नहीं। दोस्तों हम रेस्टोरेंट की शुरुआत आलिया के गाने से करेंगे। अच्छी बात है, मुबारक हो तुम्हें। पहला प्रोग्राम कल है, हौसला अफजाई के लिए जाएंगे। नाज़ली तुम भी आओ ना। मैं नहीं आ पाऊंगी। क्यों नहीं आओगी? तुम्हारे आने से मेरी हौसला अफजाई होगी, दोस्तों को भी ले आना बल्कि छोटी बहन को भी ले आना। ठीक है फिर जरूर आएंगे, बल्कि खुशी खुशी आएंगे। फरीद तुम भी आ रहे हो ना, है ना? हाँ मैं आजकल थोड़ा बिजी हूँ, मैं किसी और दिन वक्त निकालूंगा। ये क्या बात हुई यार, बहुत मजा आएगा। सोचो तो मैगजीन की खबरें, मशहूर बिजनेसमैन फरीद असलान आलिया के सुनने वालों के दरमियान। दरअसल कल हम बोली लगा रहे हैं और अगर हम जीत गए तो जरूर पार्टी करने आएंगे तुम्हारी तरफ। ठीक है, इसका मतलब ये पूरा ग्रुप कल हमारे दरमियान होगा। हाँ अगर ऐसा है तो ठीक है, फिर आप लोग आलिया की खुशियाँ मनाएंगे और हम अपनी वालदा के साथ आई विलेज में खुशियाँ मनाना जारी रखेंगे। हे, इतना काम करने के बाद छुट्टी तो लाजमी बनती है। मतलब तुम श्योर हो कि हमें ये टेंडर मिल जाएगा? कल हकान की शक्ल देखने के लिए बेसब्रा हो रहा हूँ मैं, है ना पार्टनर? शरारती मैं मदद करती हूँ तुम्हारी। अरे अरे नहीं कोई जरूरत नहीं, मैं ऐसे ही रखूंगा इन्हें। नाज़ली तुम अच्छी लग रही हो। बहुत शुक्रिया। हाँ वो
मेरी मौसीकारों से बात हुई है, वो कभी कभार आ जाते हैं, तुम चाहो तो ज्वाइन कर सकती हो, कोई इशू नहीं, तुम्हें जब भी टाइम मिले। डेनिस, उस दिन के बाद मेरे डांस का भूत उतर गया है। मेरे ख्याल से तुम में सलाहियत है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? वाकई में चलो मैं चलता हूं। इतनी जल्दी क्या है यार? गुड नाइट। अरे इसे क्या हो गया अचानक? हाँ तो अब लगता है कि हमें भी चलना चाहिए। जी बहुत देर हो गई है, चलो हम भी चलते हैं फिर। चलो। मैं तो गई। क्या हुआ? एंगिन है वो। यार ये कहाँ से आ गया? शुक्रिया। लो जी दूसरा नमूना आ गया, इसी की कमी थी बस। एंगिन कौन है आपा? एक तो बहन थकती नहीं हो तुम एंगिन का पूछ पूछ के। बताया तो था जिसके साथ दरवाजे में फंस गई थी वो एंगिन है। ये बंदा क्या आपको फैशन हाउस का मालिक समझ रहे हैं? हाय नाज़ली, ये एंगिन क्यों आया यार यहाँ पर? ये हर वक्त साथ क्यों होते हैं? चलो पूछ के आते हैं, वैसे भी तुम उससे बात करने के लिए मरी जा रही थी। चलो चल के पूछ लेते हैं। हाँ हाँ कर ली है मैंने बात, ऐसा करते हैं बराती नहीं चलते हैं ना वहाँ पर। आसुमत तुम हंसो मत वरना तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। चुप हो गई मैं। यार नाज़ली हमें यहाँ से जाना होगा, अगर इस बंदे ने यहाँ देख लिया ना तो बहुत जलील हो जाऊंगी। अच्छा चलो चलते हैं। रुक जाओ फतोश, तुम यहाँ से नहीं जा सकती, तुम्हारी वजह से हम यहाँ आए थे। फतोश रुको। वाकई में चली गई। ये लीजिए आपके लिए। आपका बहुत शुक्रिया। हाँ फोटो किधर है? उनका फौरन जाना जरूरी था। फतोश को उसके रिश्तेदार हैं बहुत ही करीबी, उनकी तबीयत खराब हो गई तो उसे जाना पड़ा बेचारी। अरे तुम तो कह रहे थे कि टेंडर मिलते ही आऊंगा, मगर तुमने तो चकमा दे दिया यार। वादा तो वादा है। मैं एंगे। मैं नाज़ली हूँ। आपका नाम और आपका खाना बहुत सुना है। ऐसा है क्या? थैंक यू। ये मेरा बहुत पुराना और अच्छा दोस्त है, ये आसुमान है, नाज़ली की बहन। खुशी हुई मिलकर। मुझे भी खुशी हुई। ज्यादा मत पियो, बाद में तबीयत खराब हो जाएगी। दरअसल जूसेस मेरा मैदा खराब कर देते हैं। खुश आमदीद। Sevgili
alışırsın, alışırsın. Dennis? मेरा सलाम कहना आलिया को। ताज़ियत कबूल कीजिए। डेनिस, अफसोस हुआ। शुक्रिया। मुलूद कैसा है? ठीक है, ठीक होने की कोशिश कर रहा है वो। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मैं फौरन आ जाऊंगी। शुक्रिया। ताज़ियत कबूल करें। आपका शुक्रिया। ताज़ियत कबूल करें। शुक्रिया। जी, डेनिस, ये करीबी रिश्तेदार हैं क्या? डैमिट साहिबा, मरहूम डैनिस साहब के भाई हैं ये डैनिस साहब। ज़ैनब साहिबा को तो तुम जानती ही हो, फरीद साहब की छोटी बहन। एक वक्त पे दोनों के वालिद ने मिलकर ये कंपनी बनाई थी। ये खाकान नामी आदमी भी उस वक्त कंपनी में मुलाजमत करता था। ज्यादा पसंदीदा बंदा नहीं है, वैसे भी इसे बाद में नौकरी से निकाल दिया गया था। डैमिट साहिबा ने जब खाकान साहब को शादी का कहा तो एक कयामत आ गई थी। इनके वालिद ने विरासत में से हिस्सा देकर इन्हें खानदान से निकाल दिया था। उन्होंने भी अपनी कंपनी खोल ली। उस दिन के बाद से इनका खानदान से कोई मेल मिलाप नहीं है। भाई, भाईचान, भाईचान, आखिर क्यों हुआ ऐसा? मैं ऐसे नाराज अलग होना था क्या? हेलो नाज़ली, खुश आमदीद। शुक्रिया। मुझे खुशी हुई तुम आ गई। ना कहने की कोई वजह भी नहीं थी वैसे। अरे भाई साहब, हम भी आए हैं, हमें भी तो पूछ लीजिए। तुम्हें भी खुश आमदीद। शुक्रिया। रास्ते में नाज़ली से मुलाकात हो गई। मैंने कहा अच्छा मौका है, बलूत से भी मिल लूंगा। मामू, नाज़ली आ गई है क्या? हाँ बलूत, नाज़ली आ गई है। कैसे हो बेटा? नाज़ली, नीचे खाली रूम तुम्हारा है, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मिसेस इकबाल को कह देना, ठीक है? बुलुत को रोजाना फिजियोथेरेपी की जरूरत है और हो सकता है कि वो तुम्हें कुछ परेशान करे, पर मुझे उम्मीद है कि वो तुम्हारी बात मान लेगा। बुलुत को फिजियोथेरेपिस्ट के पास ले जाने के लिए तुम्हारे साथ एक ड्राइवर होगा, ठीक है ना? परेशान मत हो, मैं सब संभाल लूंगी। गुड,
इलाज के लिए घर से बाहर जाना बुलुत के लिए बहुत जरूरी है। पहली बार देख रहे हो क्या? वो लाल वाली गाड़ी आखिर में क्या करेगी पता है? मत बताएं। बुलुत, नाली तो आ गई। कैसे हो मेरे बच्चे, ठीक हो ना? ठीक हूँ। अरे नाजली को देखकर कैसे इसकी जान में जान आ गई, देखा? नाली तो मेरे रूम में रह सकती हो, वहाँ एक आरामदेह कुर्सी और बेड भी है, और हाँ तुम चाहो तो मेरे बेड पे मेरे साथ भी सो सकती हो। नाजली का अपना रूम होगा बुलुत। भूख लगी है तुम्हें? तुम्हारे लिए अच्छा सा ऑमलेट बनाती हूँ। हाँ बनाए। साथ में जैम और ब्रेड। ओ ताली दो। मेरे लिए भी नाश्ता बना दो, मैं और बुलुत दोनों साथ खा लेंगे। चलो चलते हैं। तुम कौन सा खेल खेल रहे हो डेनिस? मैं तुम्हारी हरकतें देख रहा हूँ, क्या तुम ऐसे कंपनी चलाओगे मेरे साथ? अरे भाई मेरे इस हाल को देखो और अपने चेहरे को देखो जरा, मैं इस हाल में कभी ऑफिस नहीं जा सकता, और ऑफिस के लिए ये मुनासिब गेटअप है भी नहीं। तुम्हें वहाँ कोई कुछ नहीं कहेगा, चाहे तुम सूट में जाओ या ऐसे। डेनिस तुमसे कुछ जरूरी मसाइल पर बात करनी है, ना खुशगवार बातें लेकिन जैनब और दमीर के बारे में, और करने के लिए कुछ है भी नहीं। और जंग शुरू हो चुकी थी, दोनों ही बहुत ताकतवर थे, रोबोट और नाजली। हम जा रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर। मुझे एक बाइट तो दे दो। ये चमकीली तलवारों की जंग थी।